आई हूँ कुछ अलग ही चैलेंज। तो ये है मेरे हाथ में एक डिश जो मैंने बनाई है और इसको देख के आप समझ गए होंगे कि मेरा जो चैलेंज है वो कुकिंग से रिलेटेड है। तो किस किस को मैंने ये चैलेंज दिया है चलिए मैं आपको बताती हूँ। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं अंजु विश्वकर्मा आप सभी को स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल बी पॉजिटिव पर। तो कैसे हो आप सब, आई होप आप सब बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे। और मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा एंड वीडियो के टॉपिक अच्छा लगा होगा तो अभी से एक लाइक कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज का जो चैलेंज है वो है कुकिंग चैलेंज। इस चैलेंज को मैं उस बेस पे लेके आई हूँ जो मैंने पिछला चैलेंज किया था। जो मैंने पिछला चैलेंज किया था वो था स्क्रब रब चैलेंज, जो कि मैंने एक यूट्यूबर की वीडियो में देखा था और मैंने खुद से उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया था और अपनी 10 यूट्यूबर को नॉमिनेट कर दिया था, यूट्यूबर फ्रेंड्स को नॉमिनेट कर दिया था। तो कौन थी वो 10 यूट्यूबर फ्रेंड्स, अगर आपको जानना है तो आप मेरे पिछले चैलेंज को देख सकते हो, चैनल का वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और किस किस ने मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट किया था उन सभी के भी चैनल के लिंक और वीडियो की लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो मैं आपको नाम भी बता देती हूँ फ्रेंड्स, किसने मेरे चैनल को एक्सेप्ट किया था। सबसे पहले मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट किया था रिधिमा रेसिपीज एंड ब्लॉग्स चैनल से पूनम दी ने। एंड जो सेकंड एक्सेप्ट किया था दूसरी वीडियो किसको आई थी, पूनम की आई थी। हाँ, तो पूनम दूसरी पूनम है ये, बुआ भतीजी जी ब्लॉग से पूनम बहुत प्यारी थी, दोस्त बन गई है मेरी। और जो नेक्स्ट चैलेंज किया था माही ने किया था, ब्यूटी विद माही से माही ने किया था। तो वैसे जिसके मैं नाम ले रही हूँ हम सब एक साथ ऑलरेडी एक कोलैबोरेशन वीडियो कर चुके हैं फ्रेंड्स। तो अगर वो सारी वीडियोस भी आपने नहीं देखी होगी तो जाके जरूर चेकआउट करिएगा मेरे चैनल पे। और उसके बाद मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट किया था अनुष्का अनु लाइफ स्टाइल से अनुष्का ने। और उसके बाद चैलेंज मेरा एक्सेप्ट किया था श्वेता ने, लखनवी श्वेता ने। तो सारी बहुत प्यारी प्यारी सी दोस्त बन गई है मेरी और एक तो मेरी ऑलरेडी फ्रेंड है, मतलब बेस्ट फ्रेंड है अनुष्का अनु लाइफ स्टाइल। तो फ्रेंड्स, किसने मेरे चैलेंज को कैसे एक्सेप्ट किया और किस तरह से उसे कंप्लीट किया, ये सारी चीजें आपको उनके लिंक उनके वीडियो में देखने के लिए मिलेगी, जिसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो जाके जरूर चेकआउट करिएगा। एंड फ्रेंड्स, सबसे अच्छी बात यह है कि मैंने जिसको जिसको ये चैलेंज दिया था सबने अपने अपने तरीके से इस चैलेंज को कम्प्लीट किया है और आपको हर वीडियो में एक अलग स्क्रब देखने को मिलने वाला है। कुछ ने DIY किया है और कुछ ने रेडीमेड किया है, तो जो भी किया है आपको कुछ अलग अलग दिखने को मिलने वाला है। तो जाके जरूर से चेकआउट करिएगा, उनकी वीडियोस को एक बार जरूर देखिएगा अगर अभी तक नहीं देखे हैं। तो आज के चैलेंज पे बात करते हैं। आज का जो चैलेंज है वो है कुकिंग चैलेंज। तो सबसे पहले मैंने कुकिंग कर ली है और मैं किसे आज नॉमिनेट करने वाली हूँ ये मैं आपको बताऊंगी थोड़ी देर के बाद। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो मैंने आज की डिश बनाई हुई है इसकी रेसिपी मैं भी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ओके, तो जैसे भी बनाई होगी आपके सामने दिखी जाएगी अच्छी बनी है या खराब बनी है। वैसे अच्छी बनी है, खाने में काफी ज्यादा अच्छी बनी है, दिखने में थोड़ी सी मतलब कि 19-20 हो गई होगी लेकिन खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी थी। बिकॉज इसमें इतने सारे चॉकलेट्स आपको मिल रहे हैं ना कि वैसे ही आपका मन खुश हो जाने वाला है। तो चलिए पहले हम इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं और किसको किसको मैंने चैलेंज किया है ये भी मैं आपको रेसिपी बनाते बनाते बताती जाऊंगी, क्योंकि मेरी 10 दीदी लोग हैं तो दीदी लोग का नाम ऐसे थोड़ी ले लूंगी मैं, थोड़ा सा रिस्पेक्ट के साथ लेना पड़ेगा ना। तो वैसे सारी ही दीदियां हैं, हाँ, और आई थिंक सबके कुकिंग के चैलेंज है, मोस्टली लोगों के कुकिंग के चैलेंज है। तो कौन कौन है अभी आपको पता चल जाएगा। तो चलिए पहले इसको बना लेते हैं, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। और जो चैलेंज है फ्रेंड्स वो तो मैं आपको बताना भूल गई कि इसमें करना क्या है। वैसे आपको इसमें कुकिंग करनी है तो आप अपने मनपसंद की कोई भी डिश बना सकते हो, मैं कोई एक सेपरेट डिश नहीं बताऊंगी, आप जो चाहे वो बनाओ। आपको जिस टाइम, वैसे भी आप रोबोट कुकिंग के चैनल है तो आप हमेशा कुछ ना कुछ डिश तो बनाते रहते होगे, तो आज जो मतलब कि आप कुछ भी बना सकते हो चॉकलेटी टाइप्स का। और मतलब कि मैं चाहती हूँ कि आप लोग कुछ डेजर्ट स्वीट डिश और चॉकलेट से ही रिलेटेड चीजें बनाओ। वैसे कोई फोर्स नहीं है, मतलब जो अगर इसको मतलब चॉकलेटी चैलेंज कर सकता है तो वो चॉकलेट ही, अदरवाइज वो कुछ भी और मतलब और कुछ भी बना सकता है। तो फ्रेंड्स, यूट्यूब की फैमिली धीरे धीरे अब बड़ी हो रही है ना, तो बहुत सारे लोग मिल रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग मिल रहे हैं अभी मुझे, तो मैं बहुत खुश हूँ अपनी इस फैमिली से और मुझे ये सारे चैलेंजेस करके बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ ये सब चैलेंज करके, चैलेंज लेके एंड देके भी। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि अगर मुझे कोई चैलेंज करना चाहता है किसी भी टाइप का तो मुझे कर सकता है, क्योंकि जो मेरा चैनल है वहां पे बहुत सारे तरह की चीजें देखने को मिल जाती है। तो आप मुझे मतलब दीदी लोग या फ्रेंड लोग कोई भी मुझे किसी भी तरह का चैलेंज दे सकता है। तो चलिए फिर रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो मैं बनाना शुरू कर रही हूँ अपना चॉकलेटी गोलगप्पा, जिसके लिए मैंने यहाँ पे लिया हुआ है रेडीमेड गोलगप्पे, फ्रेश क्रीम चॉकलेट सिरप, व्हाइट चॉकलेट, ब्राउन चॉकलेट एंड नारियल का पाउडर। और मैंने यहाँ बनाया है ओरियो बिस्किट का पाउडर एंड ओरियो के बिस्किट से जो क्रीम निकली थी वो मैंने यहाँ प्लेट में रखी है। एंड मैंने यहाँ पे लिया हुआ है जैम, तो
ये जो व्हाइट चॉकलेट है वो मैंने मिल्क बार चॉकलेट से बनाया है, एंड जो ब्राउन चॉकलेट है वो मैंने लिया है डेरी मिल्क। तो सबसे पहला नाम मैं नॉमिनेट करती हूँ रिचा दी का, रिची रिच किचन सेल एंड लाइफ स्टाइल से रिचा दी। तो और अभी मैं क्या करने वाली हूँ कि ये जो चॉकलेट है ब्राउन चॉकलेट एंड वाइट चॉकलेट, इन दोनों को ही मैं मेल्ट करूँगी। उसके लिए मैंने यहाँ पे लिया हुआ है गर्म पानी, जैसा कि आप देख सकते हो फ्रेंड। वैसे गर्मी के टाइम में ये ऑलरेडी मेल्ट था, बट फिर मैंने इसे फ्रिज में रख दिया था तो ये फिर से टाइट हो गया था और मुझे इसे पिघलाना पड़ा। तो इस कुछ इस तरह से मैं चॉकलेट्स को पिघलाने वाली हूँ। एंड जो सेकेंड नेम है वो है रियाज किचन एंड व्लॉग से रिया दी का। तो ये देखिए मेरा जो चॉकलेट है वो काफ़ी अच्छे से मेल्ट हो गया है फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हो। तो अब मैं क्या करने वाली हूँ इसके साथ वो मैं बताती हूँ। किसके साथ? वंदना दी के साथ। वंदना पारीक दी को मैंने यहाँ नॉमिनेट कर दिया है थर्ड नंबर पे। और तब तक मैं क्या कर रही हूँ, इन सारे गोलगप्पों को अच्छे से फोल्ड लूँगी, इसके स्पेस बना दूंगी ताकि मैं इसे अच्छे से फिल कर सकूँ। फिल करने के साथ साथ तब्बू दी को भी नॉमिनेट कर दूंगी मैं। सिंपल लाइफ स्टाइल से, सॉरी दी अगर आप मैंने किसी का नाम गलत लिया हो तो मुझे माफ़ करिएगा आप लोग। तो उसके बाद मैं क्या करूँगी, चॉकलेट में गोलगप्पों को डिप कर करके अच्छे से उस पर एक अच्छी सी लेयर लगा दूंगी एंड रख दूंगी उसे। और रखने के साथ साथ मैं नॉमिनेट करती हूँ श्वेता दी को, श्वेता स्पेशल चैनल से। श्वेता दी आप नॉमिनेट हो गई हैं मेरी इस चैलेंज के लिए। तो जैसा कि आप देख सकते हो फ्रेंड्स, कुछ ब्राउन चॉकलेट है एंड कुछ ये वाइट वाले चॉकलेट की लेयर मैं लगाने जा रही हूँ। तो एक्चुअली इस टाइम कॉल आ गई थी और मैं बात करते करते सारे मोस्टली चॉकलेट्स पे मैंने ब्राउन चॉकलेट लगा दी, मतलब गोलगप्पे पे। तो इस वजह से मेरे कुछ ही गोलगप्पे बचे थे, तो मैंने 3 पे वाइट लगाया एंड 2 पे मैंने जैम का लेयर लगाया। जैम का लेयर लगाने के साथ साथ मैंने शिखा की बगिया से शिखा दी को नॉमिनेट कर दिया है। और अभी आप देख रहे हो कि मेरे सारे गोलगप्पों पे लेयर्स लग गई है। तो अब मैं इसको करूँगी सेट। सेट करने के लिए मैं इसे रखूँगी फ्रिज के अंदर, और फ्रिज में रखते रखते मैं नॉमिनेट करूँगी इंडियन मॉम ललिता चैनल से ललिता दी को। तो ललिता दी आप नॉमिनेट हो गई हैं, और फ्रिज में जब तक वो सेट हो रहा है तब तक मैं यहाँ पे बनाऊँगी मिल्क शेक। तो मिल्क शेक बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया हुआ है 1 गिलास दूध, और उसमें मैं डालूँगी बिस्किट से निकले हुए क्रीम को और ये ओरियो बिस्किट पाउडर को। बिस्किट के पाउडर के साथ साथ मैं नॉमिनेट कर रही हूँ बुआ भतीजी ब्लॉग से पूनम को अगेन, क्योंकि वो मेरे चैलेंज को बहुत अच्छे से करती है और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मेरा देखिए ये चॉकलेट मिल्क शेक बनाने के लिए ये मैं जो बचे हुए चॉकलेट्स हैं वाइट चॉकलेट्स एंड ब्राउन चॉकलेट, उसको भी मैं थोड़ा थोड़ा सा इसमें डालूंगी, और सारा नहीं डालूंगी क्योंकि अभी मुझे इसकी ज़रूरत है। तो मेरा मिल्क शेक भी बन के रेडी हो गया है एंड अब मेरे जो गोलगप्पे हैं वो भी काफ़ी अच्छे से सेट हो गए हैं। सेट होने के साथ साथ शैलीज वर्ल्ड से शैली को मैंने यहाँ पर नॉमिनेट कर दिया है। आई होप कि आप लोग मेरी बात को सुन रहे होंगे जिसको मैं नॉमिनेट कर रही हूँ। तो ये सेट हो गए हैं, अब मैं इस पर लगाऊंगी, मतलब इसको थोड़ा सा डेकोरेट करूँगी। उसके लिए मैंने लिया है व्हाइट चॉकलेट से मैं ब्राउन वाले गोलगप्पों को अच्छे से कर दूँगी एंड उसके बाद मैं करूँगी इसको, मतलब कि ये जो मैंने यहाँ पे गरी का बुरादा लिया हुआ था वो मोस्टली, अरे मेन मैंने इसीलिए लिया था ताकि मैं उसे गार्निश कर सकूँ, लेकिन मैंने एक ही प्लेट में इतने ज़्यादा गोलगप्पे रख दिए थे ना कि मेरा जो प्लेट है वो काफ़ी मैसी सा हो गया था, सारी चीज़ें गिर रही थी और मतलब कि मैं ध्यान नहीं दे रही थी इस टाइम पर क्योंकि मुझे बनाने में बड़ा मज़ा आ रहा था इसको। तो अभी मैं इसको गार्निश कर रही हूँ ये वाइट चॉकलेट ब्राउन चॉकलेट एंड जैम से, बाकी सारी चीज़ों से मैं इसे अच्छे से कर लूँगी। और इसके साथ साथ मैं नॉमिनेट कर दूँगी कोलकाता ब्लॉगर रेनू से रेनू दी को। तो रेनू दी आप नॉमिनेट हो गए हो मेरे इस चैलेंज के लिए। तो अभी जो इसमें बची हुई ये बिस्किट्स है वो सारी मैं इसमें डालूँगी और इसको अच्छे से फिल करूँगी, और मतलब कि इतना अच्छे से भर दूँगी ना कि खाने के बाद लगे कि हाँ कुछ खाया गया है और काफ़ी देर तक हमारा मुंह जो है वो चलता ही रहे और इतने टेस्टी टेस्टी सामान का मज़ा लेता रहे हमारा मुंह। तो उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ फ्रेश क्रीम। फ्रेश क्रीम ने मेरे गोलगप्पे में ना 4 चांद लगा दिया था, मतलब कि इतना टेस्टी लग रहा था ना इसके साथ कि मैं क्या बताऊं। और इस पूरे रेसिपी में कहीं पे भी चीनी का यूज़ नहीं हुआ है फ्रेंड्स, क्योंकि जो वाइट वाली चॉकलेट है वो काफ़ी ज़्यादा स्वीट थी तो मुझे यहाँ पे चीनी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ी।
और ये जो मैंने फ्रेश क्रीम डाली वो बिना चीनी की थी, और इस वजह से इसका जो टेस्ट है ना वो मतलब एकदम लाजवाब हो गया था। एक तो वो वाइट चॉकलेट का स्वीटी स्वीटी टेस्ट, एंड उसके साथ ये सादा सादा सा क्रीम, एकदम मज़ा आ गया था खाने में। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा बनके तैयार हो चुका है। तैयार होने के साथ साथ मैं नॉमिनेट कर रही हूँ एक बार फिर अपनी फ्रेंड अनुष्का को। तो अनुष्का वीडियो बनाने में थोड़ा सा टाइम लगाती है, तो अनुष्का कोई मतलब जल्दी नहीं है बाबू, तुम्हें जब मतलब मन होगा तो बनाना, अदरवाइज़ कोई बात नहीं है। आई थिंक मैंने एक नेम एक्स्ट्रा ले लिया है, तो कोई बात नहीं। और अभी मैं यहाँ पे मिल्क शेक को थोड़ा सा मतलब डेकोरेट करूँगी, सर्व करूँगी इस ग्लास में। तो इस पे मैंने थोड़ा सा चॉकलेट सिरप लगाया हुआ है, और उसके बाद मैं इस पे डाल रही हूँ मिल्क शेक को। तो ये दिखने में मुझे नहीं पता आप लोग को कैसा लग रहा है, लेकिन मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, और खाने और पीने में एकदम ज़बरदस्त था। तो मेरी बहन को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि उसे बहुत गिने चुने चीज़ें पसंद आती हैं, तो उसे पसंद आया, तो मुझे लगा कि चलो काफ़ी अच्छा बना है। तो ये देखिए सर्व के बाद कुछ इस तरह का दिख रहा था मेरा जो है चॉकलेटी गोलगप्पा एंड मिल्क शेक। तो ये मैंने कॉम्बिनेशन बनाया हुआ था फ्रेंड्स, आप इसके साथ कुछ भी मतलब इसी के साथ नहीं, आप जो भी चॉकलेट से रिलेटेड चीज़ें बनाने वाले हो या जो भी स्वीट डिश डिज़र्ट जो भी बनाने वाले हो, आप कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन रख सकते हो और आपके अपने हिसाब से इस चैलेंज को कम्प्लीट कर सकते हो। तो लॉकडाउन स्पेशल कुकिंग चैलेंज। कंप्लीट कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा जरूर, एंड वीडियो जरा से भी अच्छी लगी होगी तो एक लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। मैं एक बार दीदी लोग के नाम फिर से ले लेती हूँ। सबसे पहले नाम मैंने लिया था रिचा दी का, तो रिचा दी हमारी दबंग दीदी है जिनकी आवाज मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। और जो सेकेंड दीदी का नाम था वो था रिया दी, तो रिया रियाज किचन से रिया दी। एंड जो रिचा दी के चैनल का नेम है वो है रिची रिच किचन एंड लाइफस्टाइल। एंड एक और दीदी हमारी वंदना पारिक, उनके चैनल का नेम भी यही है। और एक दीदी है तबू लाइफ सिंपल लाइफ स्टाइल, जिनका नाम तबू है। और एक दीदी है ललिता दी, जिनके चैनल का नाम है इंडियन मॉम ललिता, आई थिंक ऐसे ही कुछ है। तो मैंने अभी बोला होगा, देख कैसा ही बोला होगा, अभी मुझे इस टाइम में सही नहीं बोल पा रही हूँ, सॉरी। और एक हमारी दीदी है मुंबई से, क्या नाम है उनका, श्वेता दी, उनके चैनल का नाम है श्वेता स्पेशल। इनकी आवाज भी बहुत अच्छी लगती है मुझे, और इनके डिशेज काफी मतलब, ये सारी दीदी लोग ना बहुत एकदम लाजवाब लाजवाब डिश बनाती है फ्रेंड्स, एक बार आप लोग देखिएगा मजा आ जाएगा। और एक और दीदी है मेरी, वैसे 10 लोगों के नाम लेना है तो एक और मैं करती जा रही हूँ। तो ये वाली जो दीदी है ना, ये बहुत प्यारी सी है, बहुत सपोर्टिंग है। इनका नाम है शिखा दी, नाम है इनका, मतलब कि शिखा की बगिया चैनल का नेम है और इनका नाम शिखा है। और जो नेक्स्ट मेरा चैलेंज है वो है मेरी फ्रेंड के लिए, जिसका नाम है पूनम। तो पूनम बुआ भतीजी ब्लॉग वाली पूनम, ओके। तो और जो नेक्स्ट चैलेंज है वो है किसके लिए शैली वर्ड से, शैली के लिए। और जो लास्ट नेम है वो है अनुष्का अनु लाइफ स्टाइल से, अनुष्का के लिए। तो ये वैसे कुकिंग चैलेंज है, आई होप कि ये सारे लोग इस चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे। और मैंने किसी का नाम नहीं लिया हो तो प्लीज, आई एम सॉरी, मैं भूल रही हूँ क्या, हाँ शायद मैंने 9 नेम ही लिए हैं आई थिंक, तो मैं काउंट नहीं कर पा रही हूँ उस टाइम पे। वैसे मैं चैलेंज कर दे रही हूँ एक और दीदी को, तो उनका नाम है रेनू दी, उनके चैनल का नेम है कोलकाता लव एंड रेनू। तो रेनू दी अगर आप मेरी वीडियो को देख रही हैं तो प्लीज मेरे चैनल को चैलेंज को एक्सेप्ट करिएगा और चैलेंज को पूरा जरूर करिएगा। सो फ्रेंड्स, आई थिंक मैंने 10 लोग के नेम ले लिए हैं, और अब मैं चलती हूँ, मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई चीज के साथ। सो बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू फॉर नेक्स्ट वीडियो, बाय। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा यार, और मेरी वीडियो के व्यू ना बहुत कम होते जा रहे हैं, पहले जितने आ रहे थे ना उससे कम होते जा रहे हैं, तो प्लीज आप लोग ऐसा मत करो यार, मेरी वीडियो को देखिए, प्लीज देखिए, प्लीज 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 थोड़ा तो देखिए, मतलब लोग ग्रो करते हैं, मैं क्या बोलूं, प्लीज मेरी वीडियो को देखिए आप लोग, लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करिए।